अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएम एजुकेशन चैनल। पिछले लेक्चर में हमने वाटर सोलबल विटामिन्स में विटामिन सी को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को डिफाइन करेंगे। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ये भी वाटर सोलबल विटामिन है जो कि हमें डाइट के जरिए हासिल होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में थायमीन यानी कि B1, राइबोफ्लेविन B2, नायसिन B3, पेंटोथेनिक एसिड B5, पाइरिडॉक्सिन B6, बायोटिन B7, फोलेट B9 एंड कोबालामिन B12। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में ये सब विटामिन आ जाते हैं। अब बात करते हैं विटामिन B1 की। इसका जो केमिकल नेम है वो थायमीन है। ये वाटर सोलबल विटामिन है। इसके सोर्सेज में एग, लिवर एक्सेट्रा। प्लांट सोर्सेज में सीड्स, वीट, नट्स एक्सेट्रा। यानी कि एनिमल सोर्सेज में एग, लिवर आ जाते हैं और प्लांट सोर्सेज में सीड, वीट, नट्स आ जाते हैं। RDA रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस इन्फेंट्स इसमें 0.5 मिलीग्राम, चिल्ड्रन में 1.0 मिलीग्राम, एडल्ट्स में 1.1 टू 1.5 मिलीग्राम। अब बात करते हैं फंक्शंस की। विटामिन B1 कोएंजाइम के तौर पर एक्ट करता है और कई ऐसे मेटाबॉलिक रिएक्शन हैं जिनमें ये हेल्पफुल होता है। इसी तरह जो विटामिन B1 है ये ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के लिए भी कोएंजाइम के तौर पर एक्ट करता है। अदर फंक्शंस आर एज फॉलोज। जो दूसरे फंक्शंस हैं उसमें नर्वस सिस्टम की कंपोजिशन के लिए भी हेल्पफुल है। लिपिड्स की बायोसिंथेसिस में भी ये काम करता है। इसी तरह आयन चैनल की रेगुलेशन में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। डेफिशिएंसी डिजीजेस यानी कि अगर विटामिन B1 की अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो कौन कौन सी डिजीज़ होगी। पहला तो ये कि ये CNS पे इफेक्ट करेगा। इसी तरह अगर विटामिन B1 की डेफिशिएंसी होगी तो बेरीबेरी डिजीज़ कॉज होगी। इसकी जो 3 टाइप्स हैं वो ये हैं कि वेट बेरीबेरी, ड्राई बेरीबेरी, इन्फेंटाइल बेरीबेरी। वेट बेरीबेरी ये जो है ये एक्यूट डिजीज़ है और ये हार्ट फेलियर एडिमा कॉज करती है। ड्राई बेरीबेरी ये क्रोनिक डिजीज़ है और इसमें फटीग, पेन और मसल्स की वीकनेस वगैरह हो जाती है। इन्फेंटाइल बेरीबेरी इट अकर्स इन द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ कैरेक्टराइज बाई कार्डियोवास्कुलर एबनॉर्मेलिटीज़। यानी कि इसमें कार्डियोवास्कुलर की एबनॉर्मेलिटी जो होती है ना वो कॉज हो जाती है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फीचर्स में एनोरेक्सिया, डायरिया, वेट लॉस वगैरह हो जाता है। बेरीबेरी सिम्टम्स इन चिल्ड्रन वॉमिटिंग, इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, इरेगुलर हार्ट बीटिंग। चिल्ड्रन विल डाई इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म एक्सपोजर। यानी कि बच्चों में जो बेरीबेरी डिजीज़ के सिम्टम्स होंगे उनमें वोमिटिंग होगा, मसल्स की इन्वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन होगी, इरेगुलर हार्ट बीटिंग हो जाएगी। लॉन्ग टर्म की वजह से बच्चों में ये डेथ भी कॉज कर देती है। अब बात करते हैं कि बेरीबेरी डिजीज़ सिम्टम्स इन एडल्ट्स। यानी कि एडल्ट में जो बेरीबेरी डिजीज़ के जो सिम्टम्स होंगे वो क्या होंगे। इरिटेबिलिटी, फील एंगर ऑन लिटिल मिस्टेक यानी कि छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाना, स्किन ड्राइनेस, मेमोरी लॉस, इम्पेयर थिकनिंग एक्सेट्रा। इंशाल्लाह कल हम विटामिन B2 को डिस्कस करेंगे।